हैं आपको फेक कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एंड एट द रियर मडगार्ड एज वेल। तो खुल के बैठता है तो बाइक जो है पीछे से कुछ ज़्यादा ही झुक जाती है, जो है वो कुछ ज़्यादा ही ओवरहैंगिंग वाला पार्ट हो जाता है। सो वेलकम बैक टू द अदर एपिसोड ऑफ एटॉमिक गियर्स एंड आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू अपडेटेड वर्जन ऑफ TVS Apache RTR 160 2V के बारे में। सो नाउ लेट्स चेक आउट न्यू Apache RTR 160। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड स्पेशल थैंक्स टू TVS हल्द्वानी फॉर हेल्पिंग अस आउट विद देयर ब्रांड न्यू प्रोडक्ट। इफ यू वांट टू चेक आउट एनी ऑफ द TVS बाइक और स्कूटीज सो यू कैन कॉन्टेक्ट देम और पॉप इन टू द शोरूम, ऑल कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। So now let's talk about the design and the new updates and upgrades. So first of all आगे से शुरुआत करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट में ही आपको एक फर्स्ट अपडेट देखने को मिल जाता है जो कि है एक नया लाइटिंग सेटअप। यू गेट द न्यू LED DRLs जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं, इट्स अ कम्प्लीट एग्रेसिव डिज़ाइन। नाउ यू गेट द LED लाइटिंग सेटअप एट द फ्रंट। बिलो डैट आपको न्यू ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं तो ये भी काफ़ी बढ़िया लगते हैं। अलॉन्ग विद डैट दिस इज माइन्यूट डिज़ाइन चेंज एज वेल, तो यहाँ पे आपको हल्का सा नया डिज़ाइन भी देखने को मिलता है ऑन द चीक साइड। कमिंग बिलो डैट फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, सुपर मोटो ABS की यहाँ पे आपको स्टिकर देखने को मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं, सिंगल चैनल ABS इज अवेलेबल इन दिस बाइक। सो साइड से डिज़ाइन की बात करें तो एज यू कैन सी हेयर आर द स्मॉल एड ऑन टू द टैंक कॉल, तो ऑल्सो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है RTFI। बेसिकली दिस इज नॉट जस्ट द RTR वर्जन, सो इट इज़ कॉल्ड द रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत इन्हेंस करता है, इसकी जो पावर फिगर्स है उसको थोड़ा बहुत बढ़ा देता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अंडर डैट यहाँ पे भी आपको एक नया डिज़ाइन देखने को मिलता है, दिस वन इज अ लिटिल बिट बिगर कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइटली एयर इनटेक टाइप डिज़ाइन देखने को यहाँ पे आपको मिलते हैं, TVS रेसिंग यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिलती है। ऑल्सो नाउ यू आर गेटिंग द इंजन कवर, बेसिकली ये है तो प्लास्टिक का ही बट दिस इज द हार्ड प्लास्टिक एंड ऑल्सो इट हाइड्स द पोर्शन जहाँ पे आपकी किक स्टार्ट लगती है, बट आफ्टर दिस यहाँ पे इंजन आपका थोड़ा बहुत और पावरफुल देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फेक कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिलती है एंड दिस इज़ ऑन द मेजॉरिटी ऑफ पोर्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एंड एट द रियर मडगार्ड एज वेल, तो वहाँ पे भी आपको फेक कार्बन फाइबर की फिनिशिंग देखने को मिलती है। ग्राफिक वाइज न्यू डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, TVS का लोगो आपको 3D में देखने मिलता है ऑन द टैंक एज वेल, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं रेसिंग सिंस 1982, तो सिंस द बिगिनिंग जब से इसकी स्टार्टिंग हुई है TVS की तब से आपके यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलती है। ऑन द टॉप ऑफ द लाइन जो कि सबसे बड़ी हेडिंग इसकी बनी हुई है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नया देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको अब अपाची की 4V वर्जन्स हैं उनका स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दिस इज़ वन इज़ कम्प्लीटली डिजिटल जस्ट लाइक अपाची 164V एंड अपाची 204V एंड यू आर गेटिंग द साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर एज वेल, तो यहाँ पे आपको लैप मीटर देखने को मिल जाता है, इंजन चेक लाइट्स आपकी ऑल ओवर द लोअर पोर्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल है, साइड में आपको दो बटन देखने को मिल जाते हैं। ऑल्सो आपको यहाँ पे SMS एंड कॉल अलर्ट फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, लीन एंगल एंड डिस्टेंस टू MT एंड डिफरेंट अदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, उनका बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यू ऑल्सो गेट दी राइडिंग मोड्स जो कि जिसका बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, 6 कलर की राइड इस क्योंकि अभी हमने किलोमीटर की बार यहाँ पे निकाल रखी है, तो दैट्स वाई अदरवाइज दिस वन इज सेट एट दी अर्बन, तो यहाँ पे आपको रेन मोड, अर्बन एंड द स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है। सो दिस इज़ द की जो है क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वर्जन्स, अभी तक जैसी चली आ रही है लगभग वैसी ही की आपको अभी भी इसमें देखने को मिलती है, तो दो कीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, अब इसको लॉक रखते हैं अदरवाइज बैटरी खींच जाती है LED कई बार। एंड यहाँ पे आपको TVS की बैजिंग देखने को मिलती है RTR 160, दिस इज़ द टैंक, यहाँ पे आपको एक और प्लास्टिक एड ऑन देखने को मिलता है ओवर द टैंक। सीट्स स्प्लिट सीट्स तो नहीं है बट एक स्टेयर टाइप डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंड इट्स अ सेपरेट डिज़ाइनिंग फॉर फ्रंट राइडर एंड द पैसेंजर सीट। रियर में ग्रैब रेल जो कि इसका काफ़ी बढ़िया लुक देता है, अ बुल हॉर्न टाइप डिज़ाइन एंड अ लिटिल बिट मोर ग्राफिक्स ओवर हियर एंड द मेजर अपडेट इज ऑल्सो ओवर द रियर पोर्शन, तो यहाँ पे आपको न्यू LED टेल लैम्प्स देखने को मिलते हैं। लेट मी जस्ट स्टार्ट इट,
तब आपको और बेटर तरीके से दिखेगा। नाउ यू कैन सी कि अब आपको LED टेल लाइट का भी नया डिज़ाइन देखने को मिलता है। हाउएवर जो कि इसके इंडिकेटर्स हैं वो अभी भी हेलोजन ही यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। दिस इज़ द रियर मडगार्ड जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा हॉलोनेस यहाँ पे देखने को मिलती है एंड दिस जस्ट रिड्यूस अ स्लाइट ऑफ वेट। ओवरऑल बाइक का भी थोड़ा बहुत वेट यहाँ पे डिक्रीज कर दिया गया है विच विल बी स्लाइटली हेल्पफुल फॉर द माइलेज एंड द अदर परफॉर्मेंस। सस्पेंशन की बात करें तो आपको ट्विन स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है। अभी भी आपको 2V में स्प्रिंग सस्पेंशन ही यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ जो ब्रांड्स हैं अदर ब्रांड्स तो वहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन आपको अवेलेबल हो गया है जस्ट लाइक बजाज। तो P150 जो सीरीज़ आई है उसकी तो वहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन अवेलेबल है। हाउएवर जो ये तो 160 का सेगमेंट है इट्स अ लिटिल बिट मोर पावरफुल एंड लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव एज वेल। तो यहाँ पे आपको अभी भी ट्विन स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऑड है, परफॉर्मेंस स्प्रिंग सस्पेंशन की कैसी है वो भी हम आपको राइड के दौरान बताएंगे कैसी है। एंड दिस इज़ द रियर व्हील। तो ये जो वर्जन है ये आपका डिस्क वेरिएंट वाला वर्जन है। वर्जन भी आपको यहाँ पे दो अवेलेबल हैं, डिस्क एंड द ड्रम। एंड दिस इज़ द एग्जॉस्ट जो कि काफ़ी मोस्ट आइकॉनिक एग्जॉस्ट जो माने जाते हैं वो है TVS की अपाची सीरीज़ के, क्योंकि जिनका जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपको एग्जॉस्ट नोट में भी आपको यहाँ पे RTR के डिज़ाइन बना के प्रोवाइड कराया गया है। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू अपडेट्स एंड अपडेट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स एंड अदर स्पेसिफिकेशंस टू बी मोर स्पेसिफिक। ओके लेट्स मूव। पावर फिगर की बात करें तो आपको 16 PS की पावर स्पोर्ट्स मोड में प्रोवाइड होती है, वेयर एज 13.8 PS ऑफ पावर जो है वो आपको रेन एंड अर्बन मोड में यहाँ पे अवेलेबल होती है। फॉर द टॉक तो वो आपको 13.8 Nm ऑफ टॉक जो है तो वो आपको स्पोर्ट्स मोड में देखने को मिलता है, वेयर एज फॉर द रेन एंड अर्बन मोड तो वहाँ पे आपको 12.7 Nm का टॉक यहाँ पे अवेलेबल होता है। गियर की बात करें तो आपको 5-speed गियर बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है मिलता है। क्लच की बात करें तो नो यू डोंट गेट द स्लीपर क्लच इन दिस वन, वेयर एज जो क्लच है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड रेस्ट उसकी बात हम चलाते टाइम पे करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द रियर पोर्शन। फॉर द रियर पोर्शन तो यहाँ पे आपको ट्विन स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है विद अ MIG इन्वर्टेड गैस चैम्बर एज वेल। टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो डिस्क वेरिएंट में है, एज यू कैन सी दिस इज़ द डिस्क वेरिएंट, तो डिस्क वेरिएंट में आपको यहाँ पे 120x70 17 inch व्हील्स यहाँ पे आपको अवेलेबल है, वेयर एज फॉर द ड्रम वेरिएंट तो वहाँ पे आपको 110x80 सेक्शन का 17 inch व्हील यहाँ पे अवेलेबल होगा। डिस्क की बात करें तो यहाँ पे आपको 200mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है एट द रियर, एंड फॉर द ड्रम वेरिएंट तो वहाँ पे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक का साइज वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। दिस इज द थिंग अबाउट द स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन। एज यू कैन सी इट्स क्वाइट एजी डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नाउ अब अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल सीट हाइट की, तो यहाँ पे आपको 790mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। फॉर द ग्राउंड क्लियरेंस तो वो आपको यहाँ पे 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। वेट की बात करें तो इस बाइक का वेट है आपका 137kg फॉर द ड्रम वेरिएंट एंड 138kg फॉर द डिस्क वेरिएंट। तो इस वाले मॉडल का आपका 138kg का वेट रहने वाला है। फ्यूल टैंक जो है वो आपको यहाँ पे 12 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पे आपको अवेलेबल रहने वाला है। एक स्मॉल थिंग जो मेरे को काफ़ी टाइम से मेरे को ये चीज़ नोटिस लगती है, थोड़ा सा और पीछे से दिखाते हैं। अगर आप बाइक को देखें तो बाइक का जो रियर पोर्शन है टायर वाइज, तो टायर इसके जो हैं काफ़ी ज़्यादा अंदर को हैं रियर वाइज, बाकी जो रियर पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है एक पीछे तक टायर की डिस्टेंस से, जहाँ पे आपका टायर खत्म होता है उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पीछे को है। एंड जो सीट है तो वो चीज़ भी आपकी जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा पीछे तक आती है। तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो चीज़ मैंने नोटिस करी, आपने भी शायद नोटिस करी हो इफ़ यू हैव एवर रिडन द अपाची, अगर कोई एक हैवी वेट वाला बंदा पीछे को रियर पोर्शन में बैठता है तो, और अगर थोड़ा सा और पीछे को होके बैठता है खुल के अगर, तो ये चीज़ आपने भी देखी होगी, तो ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी, अगर भी कोई बंदा पीछे वाली सीट में थोड़ा सा पीछे को खुल के बैठता है तो बाइक जो है पीछे से कुछ ज़्यादा ही झुक जाती है। एंड आई बिलीव दिस इज़ द थिंग बिकॉज जो इसका सस्पेंशन वगैरह है तो वो आगे की फ्रंट वाली पैसेंजर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो पीछे की तरफ जो है वो कुछ ज़्यादा ही ओवरहैंगिंग वाला पार्ट हो जाता है। दिस इज़ द थिंग जो कि मैंने नोटिस करी है।
एज वी ऑल नो कि हम इतने शरीफ तो कोई ज़्यादा है नहीं कि सिर्फ दो बंदे बैठते हैं। मोस्टली केसेस में यहाँ पे लोग ट्रिपलिंग में भी चलते हैं तो गाड़ी पीछे से काफ़ी ज़्यादा झुक जाती है और आगे से थोड़ा लिफ्टेड में रहती है, अपलिफ्टेड। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत मैंने नोटिस करी है एंड चीज़ काफ़ी टाइम से मेरे ध्यान में थी भी। एंड इफ़ TVS एवर नोटिसेस दिस थिंग तो ट्राई टू जस्ट एक्सटेंड द स्विंग आर्म अ लिटिल बिट, और या फिर जो रियर पोर्शन है उसको थोड़ा सा अगर शॉर्ट कर दिया जाए स्विंग आर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड करके, तो एक ज़्यादा स्पोर्टी फील यहाँ पे मेरे ख्याल से आ सकता है, जस्ट लाइक कि जो MT15 में है, तो वो चीज़ भी काफ़ी बढ़िया लगती है। सो दिस इज द थिंग एंड दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट टू टेल अबाउट द प्राइसिंग अगर बात करें सो इसके भी आपको 3 वेरियंट्स मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेट आपकी जो इसकी प्राइसिंग है फॉर द ड्रम वेरियंट, तो वहाँ पे आपकी इसकी प्राइसिंग आती है 1,19,000 समथिंग, तो प्लस माइनस आपका थोड़ा बहुत हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। फॉर द डबल डिस्क वेरियंट तो वो आता है आपका इसका 1,23,000 समथिंग। तो एज आई टोल्ड यू प्राइसेस मे वेरी अकॉर्डिंगली, तो ये आपकी जो बेसिक एक शोरूम प्राइसिंग जो पड़ेगी वो समथिंग लाइक दिस, इसके आसपास ही पड़ेंगी। एंड फॉर द टॉप एंड वेरियंट विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड ऑल, तो वो आपका 1,26,000 के पास आपको एक शोरूम प्राइस यहाँ पर पड़ने वाला है।